मामला जिला जलौन के उरई का है, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उरई नगर में मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। वहीं लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएंगे, लेकिन उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसको देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रही, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। जो 2014 में मोदी के नेतृत्व में जो NDA सरकार बनी, उसने जो भी वादे किए, एक वादा जनता के साथ पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ा उनका जो वादा था कि डीजल और पेट्रोल 35 और 40 रुपए बेचेंगे, आज 80 से पार हो रहा, कहीं कहीं तो 90 पहुंचने वाला है। जो उन्होंने इस देश की 135 करोड़ जनता को अपने वादों से बेवकूफ बनाया, हम उनको सजग करना चाहते हैं कि जिस जनता ने तुम्हें चुना है, उस जनता के साथ छलावा कर रहे हो, आने वाले 2019 में इसका परिणाम तुम्हें पता लग जाएगा। हमारा 21 दलों